बहुत ही हम लोगों के लिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बड़े अरमानों के साथ पूरे देश की और उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया था। लेकिन हाँ, आपको याद दिलाना चाहते हैं, 7 साल से पहले से जो वादे किए गए थे, एक भी वादा ये सरकार पूरा नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। आपको याद होगा पहला वादा क्या था इनका, कि हम विदेशों से काला धन ले आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 50-50 लाख रुपया डाल देंगे। हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्या काला धन आया, कितना आया और कितना खाते में गया है? किसी के खाते में एक पैसा नहीं पहुंचा है और जो खाते में था वो भी निकलवा लिया गया है, वो भी नहीं बचा। बताइए बचा क्या? क्या दिक्कतें हैं देश की जनता के सामने, विदेश की जनता के सामने क्या क्या कठिनाइयां हैं? बहुत दुखी थी इस बीच में लोग हुए थे, बहुत दुखी भी हुए थे। कोरोना जैसी बीमारियां भी आई हैं, कोरोना के बाद अब डेंगू जैसी बीमारियां आई हैं, कोई ठीक से व्यवस्था नहीं, दवाइयों का इंतजाम नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, बेड का इंतजाम नहीं, और सरकारी अस्पतालों में तो दवाई नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में बहुत महंगी दवाई और सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाई।